हाँ तो नमस्कार, प्रणाम, पहलाक, स्वागत है आप सभी लोगों का ललित कॉलोनी व्लॉग्स में। आज हमारे यहाँ है होली, मतलब दीपा लोगों के यहाँ है, तो अभी सुबह उठ के अब जा रहे सीधा दीपा लोगों के यहाँ होली खेलने के लिए। आप लोगों से मिलते हैं, दीपा के घर जाते थे, रास्ते में अर्पित के घर में रुकेंगे, देखते हैं अर्पित से क्या बातचीत होती है, वो चलता है साथ में या नहीं। आपसे मिलता हूँ सीधा अर्पित के घर पे, बाय बाय। घर तो पहुँच गया लेकिन यहाँ लगी है कुंडी, अब वो मेरी माँ और चाची जा रहे हैं, इनको लेके जाते हैं सीधा दीपा लोगों के यहाँ। दीपा ने सबसे पहले निमंत्रण नितिन दा को दिया था और नितिन दा के आने का समय ही है। ओ ओ महाराजा हरिश्चंद्र भये दानी, महाराजा हरिश्चंद्र भये। अभी होली हो गई है खत्म, सब लोग खाना पीना खा रहे हैं यहाँ पर। भाई साहब आपका दशमाना वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा? अरे बहुत बढ़िया। कैसा लगा आपको वहां जाके? अरे बहुत लंबी स्टोरी है, किसी दिन बताएंगे ये भी। ये क्या बताएं, इनके साथ तीन चार लोग थे जो जिम जाते थे। नहीं जिम वाले भी थे, जिम वाले एक ही था। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। कितने थप्पड़ है? नहीं खाए, खाएंगे मानेंगे ही नहीं। हमने खाई नहीं। पापा के हत्ते कितने खाए? पापा ने भी नहीं। मेरे सामने ही मारा यार वापिस। कितने दो तो पाटक दो पाटक तो मेरे सामने ही मारे यार। पाठक ने मारे पाठक और जाएगा सारे तेरे में मना करते रहता हूँ, मत जाया कर। पाठक ने मारे, पाठक ने खाया क्विज करते। अच्छा और कुछ नहीं खाया ये साल मर्जी के लगेंगे, बहस तो यही करना था। हाँ मुझे कह रहे थे एटीट्यूड में, बोला इसके एटीट्यूड से पता चलने करता हूँ ये काम से। कोई बात नहीं, हमने गलत कही नहीं। हाँ गलत कही नहीं था तो कोई बात नहीं। सौरभ भाई हर बार ज्यादा बचती है, ऐसा नहीं होता, कभी कभी खत्म भी हो जाती है। या अल्लाह कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का। ये यहाँ पर कैमरा मैन डाइमुल्ला, चलो कोक डालो। इसके इसके अंदर क्या है वो मत बताना किसी को। हाँ प्रसाद तो अर्पित वाला प्रसाद देखा था, हरा रहा हरा रहा। ये सौरभ लेट क्यों आता आज बताओ ना। अबे भक्ति में जाने वाला है, दौर के आया उसी समय। अच्छा लो इसका कलर देखो, इसका कलर देखो, इसका इस वाली बोतल का, इसका हाँ इसमें मिक्स किया है ना तो फंस गया, फंस गया। तीसरा मिक्सर, ये तीसरा भी आ रहा है, ये भी तो मिक्स करवाओ। गिलास ये लो, ये तीसरा प्लेयर है। अरे जो जो कलर देखो, कलर देख, एक ये भी है, एक ये है, एक ये है। तुम्हारा ये तो भाई सौरभ दा, सौरभ दा जैसे हम लोग इतना खाते होंगे ऐसे दे रखे जा रखे हैं। वहाँ केले रखे हैं, यहाँ ये है। लो लो अरे एक ही बार में सब खा देंगे करके, तू खाए एक ही बार में सब खा देंगे करके मिला रहे। ये है तुम्हारे खाने। सुनो आप लोगों ने खा दिया, आप लोग नीचे बैठ जाओ। खाने के बाद दोबारा से होली शुरू हो चुकी है। मत चाहिए हो महाराज को, मत चाहिए। अभिमन्यु जी की पत्नी हमसे कह रही है कि आज लड़ने मत जाओ, और शकुन हो रहे बहुत ज्यादा। कंप्लीट करके मम्मी लोगों को छोड़ दिया था घर में, अभी आ रखा है मोनिका का कॉल, तो उसको लेने के लिए जा रहे हैं झगड़ा मुक्की करने। मिलवाता हूँ आपको एक बेकार सी लड़की से थोड़ी देर में, तब तक कि ये बने रहिए ब्लॉग। यही है वो बदसूरत सी शक्ल वाली लड़की, रुकना नहीं उसको, उसको बुला तो सही एक बार। देखो आ रही है, मुँह तक नहीं धो रखा उसने, खाना ना खा रही थी अभी तक। हाँ हाँ हाँ
जल्दी आना। देखो समोसे ला रखी है, पेस्ट्री ला रखी है, खीरे ला रखी है, ये भी ला रखी है, पालक। ओ भाई ओए, नहा तो लेती कम से कम यार। नहाना तो छोड़, मुंह तो धो लेती। सच में नहीं धो रखा तूने मुंह? तू ये पालक वालक क्यों ला रखी है रे? ये तेरे इसमें पीछे बैग में। अरे वो लगाने के लिए पेड़ है। पालक का? बेतवा लगाना पड़ता है? बेतवा लगाता कौन है? बेतवा नहीं, चूहा है वो, चूहा। तुम्हारा यार छी, ये लेके आ रखी है वहां से। हे भगवान, आ गए हैं। थोड़ा बहुत नहा धोज टाइप का लिया है और अभी हमने जाना है बैठक में, उससे पहले जाना है कॉलेज। ये है अच्छा कल्पना, फोन में अच्छा लग रहा हूं। आज इसने नहा रखा है और इतनी घटिया लग रही है, खाली भी नहाया है। इसने भी नहाया है। फिर ये बोले कि मैं, एक तो मैं तेरे ब्लॉग में आ गई, एहसान कर दिया मेरे ऊपर, और खुद कह रही है अभी फ्रंट कैमरे से वीडियो ब्लॉग बना। तू कितनी घटिया लग रही है रे छिछी, तेरी शक्ल और तेरे कपड़े सेम मैच कर रहे हैं। तूने कैसे देखा हमारा कैमरा? अरे यार, हमारे पास कोई तेरी तरह 80,000 का फोन थोड़ी ना है। होगा भी नहीं, होगा भी नहीं, 1,00,000 का होगा। लेंगे क्यों 80,000 का? होगा। तो कल्पना जा रही है, बाबुल की दुआएं लेती जा। चल निकलना है यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। तो बीएड कॉलेज बनसा पहुँच गए थे। नितिन जी जा रहे हैं एक बार अंदर, अंकल आ जाते हैं, फिर हम सभी लोग इस कार में बैठ कर चले जाएंगे आगे की यात्रा पर। यात्रा प्रारंभ। पहुंच गए हम लोग सौ गार्डन में। यहाँ एक बैठक ऐसे, पहले कुछ खाने पीने अगर लेकर चले गए तो अलग बात है, वरना फिर आपसे मिलते हैं बैठक के बाद। तो बाय बाय। पहचान रहे हो सभी लोगों को? तो बैठक कंप्लीट हो गई है और अब हम लोग जा रहे हैं कहाँ? रुद्रा फोन आया था, लिखता क्या कह रहे थे? क्या बोला उन्होंने? वो तो चले गए। ओहो चलो ठीक है, फिर घर जाएंगे, घर जाके खाना खाएंगे। नहीं नहीं, भात बनाया घर में, टेंशन मत लो। समोसे तो खाएंगे। चलो ठीक है, फिर समोसे खाएंगे, है ना बुआ? हाँ तुम लोग खा लो यार, जो खाना। अरे वो लोग रुके हैं भैया, कहाँ कह रहे हो तुम? तो कनकपुर में फेमस वो लोग हैं तीन, समोसे खाने के लिए आ चुके हैं गाइस। क्या अच्छा वाले जा रहे थे क्या? 7-8 दे दीजिए। रखा है, खाना पड़ेगा भैया घर में, भात। पहले समोसे खा लिए, अब भात खाएंगे। सुशील जी बैठ जाएंगे, सुशील जी के बैठते ही टायर दिखेगा, यहाँ से टायर दिखता ना मजा आ जाएगा। तो गाड़ी कैसे बैठी? मंच पे आके गोली खा ली है, उसके बाद अभी दानदाताओं के नाम की बता रहे हैं भट जी, इसके बाद दूसरी होली होगी, वो सुनाता हूँ आप लोगों को। इसकी शक्ल कितनी गंदी है देखो, देखो दिल्ली 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 के नाम पे कलंक। दिल्ली में रह के लोग गोरे हो जाते हैं भाई, तू दिल्ली में रह के भी गोरी नहीं हो रही है, है? तू दिल्ली में रह के भी गोरी नहीं हो रही है। बंसी शब्द सुना दे कन्हैया, बंसी शब्द। ठीक है, झुमटे के बाद होली जलाने के लिए आ गए हैं गड़ीकोट पुल पे। होली का मैया सजी हुई है, जलाने की तैयारियां हो रही हैं। बावरा उड़ा बाग में जइयो, तो होली खेलने, होलिका दहन करने के बाद मैं आ गया हूँ घर में। अब मुझे जाना है प्रदीप ठाकुर जी से मिलने के लिए मन्नू लोगों के घर में, जिसके लिए मैं निकल चुका हूँ।
हाँ प्रदीप की ज्यादा सूजी है। अपने यहाँ से गुजिया तो ला दे। हमारे यहाँ गुजिया नहीं बनती, हमारे यहाँ वो नहीं बनता, महंगा आइटम कुछ नहीं। तो प्रदीप भाई से मुलाकात तो हो गई है, लेकिन अभी जस्सू हमारे घर में 14 दिनों से के बाद आई है, तो उस मैडम का ऑर्डर है कि भैया मिलने आओ, तो मिलने जा रहे हैं उससे अभी कॉलेज की तरफ। अर्पित को लेके कॉलेज जाता हूँ, फिर देखते हैं वहाँ क्या होता है। आप लोग बने रहो तब तक। तो बिना मतलब के कुछ ही मिनटों में हम लोग पहुँच चुके हैं वापस से कॉलेज। साथ में है अर्पित जी, जिनके हाथ में है काली पन्नी। अब इसके अंदर क्या है ये तो अंदर जाके ही पता चलेगा, सरप्राइज मिलने वाला है। आगे आ गए, आ गए, आ गए, उठाने आ गए। उठ जा भाई। ओए ले जस्सू, तू यार वहाँ से इतनी काली होके क्यों आई है रे? और भाई तूने क्या बोला था, चाय मैं बनाऊंगी, याद है? वहाँ बोल रही थी मैं इतनी चाय बना रही हूँ सब लोगों के लिए, यहाँ पहली चाय मैं आपके लिए बनाऊंगी कह रही थी, सिर्फ आपके लिए, स्पेशल आपके लिए। ओ ओ ओ एक और कप पी लेंगे। हाँ तू बना तो सही, हम भी तो देखें कैसी चाय बनाती है। हाँ हाँ डन।